स्टूडेंट, आज के लिए क्लास फोर की SHT, दिस इज योर बुक आवर सोसाइटी एंड कल्चर। आज आपका पहला चैप्टर है अबाउट इंडिया, भारत के बारे में जानने के लिए कि भारत में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में, हमारा देश कैसा है और उसका एरिया क्या है और उसका विस्तार क्या है और कैसे फैला हुआ है। तो चलिए इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं, हमारा देश विविधताओं का देश माना जाता है, यहाँ पर अनेक धर्म क्यों माना जाता है, क्योंकि अनेक भाषा बोली धर्म जाति सब अलग अलग है। अलग अलग होने के बावजूद भी सारे लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं। जैसे मान लीजिए, हम मान लेते हैं हमारी पांचों उंगलियां अगर हम बंद कर लें तो एक हो जाती है, अगर वैसे खोल दें तो ये अलग अलग हो जाती है। तो उसी तरह हमारे देश में धर्म भाषा बोली सब अलग अलग होते हुए भी हम लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं। चलिए मैप पर गौर करते हैं। यह है इंडिया का मैप, भारत का मैप। भारत देखिए, इस तरफ हम नॉर्थ को इंडिकेट करते हैं, साउथ वेस्ट एंड ईस्ट। हमारे भारत का जो एरिया है, जो इसका क्षेत्रफल है, वह है 32,87,263 किलोमीटर। कितना इसका एरिया है, अगर हम वेस्ट ईस्ट से वेस्ट की दूरी लंबाई लें तो इसका है 2,933 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ की अगर हम इसकी दूरी लें तो वो है 3,214 किलोमीटर। ये तो बात हो गई इसके एरिया की। तो अब चलते हैं, देखिए अब हमारे यहाँ पश्चिम में कौन सा सागर है, पूर्व में कौन सा है और दक्षिण में कौन सा है। पश्चिम में देखिए अरबियन सी है आपका, और आपका ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और आपका दक्षिण में है इंडियन ओशियन। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ओशियन के बाद आपका यहाँ पर श्रीलंका है, श्रीलंका से ही सटा हुआ आपका मालदीव है, और यहाँ पर आपका आता है नेपाल, जो आपके नेबर्स कंट्री है, पड़ोसी देश। यहाँ पर आता है आपका भूटान, और यहाँ पर आपका हिमालय के बाद आपका ये है चाइना, चाइना जो आपका यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। और इधर आते हैं आपका देखिए वेस्ट की तरफ, यहाँ पर पाकिस्तान है, और आगे यहाँ पर है अफगानिस्तान, और यहाँ पर हिमालय फैला हुआ है। भारत देखिए तीन तरफ, दक्षिण में इधर आइए, वेस्ट में अरबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और साउथ में इंडियन ओशियन। तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, जो क्षेत्र तीनों तरफ समुद्र से या जल से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और यहाँ पर बात आती है, देखिए यहाँ पर है आपका लक्षद्वीप भी है, और यहाँ पर अंडमान निकोबार भी है और द्वीप है। प्रायद्वीप और द्वीप में अंतर क्या होता है, प्रायद्वीप में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो प्रायद्वीप होता है तीनों तरफ से जल से घिरा होता है, लेकिन द्वीप जो होता है वो समझिए चारों तरफ क्या है, वाटर ही वाटर, जल ही जल होता है। और यहाँ पर एक छोटा सा क्या होता है, भूभाग होता है, यहाँ पर रहने लायक क्षेत्र होता है, एक भूभाग होता है, उसे हम द्वीप कहते हैं। यहाँ पर हमारे देश में द्वीपों की संख्या है 247 उत्तराखंड, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP यानी मध्य प्रदेश, इसके बाद यहाँ पर आता है आपका राजस्थान, गुजरात, मुंबई, और आपका यहाँ पर आता है कर्नाटका, और यहाँ पर आ जाइए आपका केरला, फिर तमिलनाडु, आंध्रा, आपका यहाँ पर उड़ीसा। मैंने आपको जैसे चित्र के बाद बताया, अब इधर पूर्वी राज्यों में यहाँ पर मैंने आपको सिक्किम के बाद यहाँ पर आता है असम, फिर उसके बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका आता है असम के बाद यहाँ पर आता है मेघालय,
फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। इधर जो राज्य है, पूर्वी राज्य, इन्हें सेवन सिस्टर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए भारत को ही प्राकृतिक भागों में भी बांटा गया है, जैसे हमने आपका चार पांच प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, या कह लीजिए फाइव फीचर्स ऑफ इंडिया। पहला देखिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। नंबर टू है आपका उत्तर का मैदानी भाग। नंबर थ्री है आपका द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसका देखिए मैंने आपको बताया सारे राज्यों के बारे में, सारे स्टेट्स के बारे में बताया, लेकिन इन भारत में कुल कितने टोटल स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? टोटल स्टेट है 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज। और देखिए इन सबका कैपिटल भी है, कैपिटल है जैसे जैसे मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। आप देखिए जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन बाद में ये चेंज होकर यूनियन टेरिटरी में आ गया, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आ गया। और देखिए पंजाब का है चंडीगढ़, इसकी राजधानी कैपिटल है, और आपका है मध्य प्रदेश का भोपाल है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। इसी तरह बच्चों आप लोग कुछ राज्यों की राजधानियां याद कर लीजिएगा, स्टेट जो है वो अपने होमवर्क में कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारे देश में मैंने तो बताया कि 28 स्टेट है, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो हमारे देश में सिर्फ एक ही सरकार है, वह भी एक केंद्र सरकार है। लेकिन इतने बड़े देश की देखरेख, उसकी कानून व्यवस्था देखने के लिए इसे हमें छोटे छोटे क्षेत्र में बांटना पड़ेगा, इसलिए इसे बांटा गया है 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज में। 28 स्टेट की तो अपनी खुद की गवर्नमेंट है, अलग अलग राज्यों में खुद की गवर्नमेंट है, वहाँ के नियम कानून की को देखती है। लेकिन जो लाइन है मैंने बताया उसकी जो बागडोर होती है वो हमारे केंद्र सरकार के अधीन होती है, केंद्र सरकार के हाथों में होती है। चलिए आते हैं इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में। फिजिकल फीचर्स क्या हैं इसके? फाइव फिजिकल फीचर है या फाइव फिजिकल डिवीजन है, जो कौन कौन है? फर्स्ट है आपका द नॉर्थर्न माउंटेन, सेकेंड है या इसे कह सकते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, और नंबर टू है द नॉर्थर्न प्लेन। नंबर थर्ड है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। नंबर फोर्थ है द आइसलैंड एंड कोस्टल प्लेन। ये पांचों भागों प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, और इनकी चर्चा हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे।